बड़ी जानकारी है, आज हो सकती है यूपी भाजपा अध्यक्ष की घोषणा। ये बड़ी जानकारी देखिए, आज यूपी भाजपा अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। किसी ब्राह्मण या पिछड़े वर्ग पर दाव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। यूपी भाजपा अध्यक्ष की रेस में कई नाम शुमार हैं, कई नाम शामिल हैं। देखिए, भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान का नाम रेस में है, बीएल वर्मा और सुब्रत पाठक का नाम भी चर्चाओं में है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा सतीश गौतम, महेश शर्मा का नाम भी रेस में शामिल, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम भी रेस में आगे है। और देखिए, भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और बैठक से पहले घोषणा संभव, ऐसी जानकारी मिल रही है। 29 मई को होनी है भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक और पिछड़े वर्ग से पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम चर्चा में चल रहा है। अब किसके नाम पर लगती है मुहर, इस पर लगातार नजर है, किसके नाम पर अब दाव चला जाता है, क्योंकि सामने 2024 का आम चुनाव और बहुत गुणा भाग लगा करके ही किसी एक नाम को फाइनल किया जाएगा। खबर यह है कि जल्द ही नया अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा को मिल सकता है। कई नाम इस वक्त रेस में जो बताए जा रहे हैं वो आपके सामने है। भूपेंद्र चौधरी का नाम भी लिया जा रहा है, संजीव बालियान को कहा जा रहा है कि रेस में वो भी है, बीएल वर्मा को लेकर भी जानकारी है, सुब्रत पाठक का नाम भी चर्चा में है, सतीश गौतम, महेश शर्मा का नाम भी रेस में शामिल है और देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम भी बताया जा रहा है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और खबरें ये आ रही है कि इस बैठक से पहले ही घोषणा संभव है, घोषणा की जाएगी। 29 मई को भाजपा कार्य समिति की बैठक होनी है और इससे पहले ये कहा जा रहा है कि नया अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा को मिल जाएगा। किसको साधा जाएगा, ब्राह्मण वर्ग से होगा या फिर पिछड़े वर्ग से किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसको लेकर नजर लगातार है। किसको मौका मिलेगा, कौन उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष होगा, इसको लेकर तमाम मंथनों का दौर आपने देखा, यूपी से लेकर दिल्ली तक किस तरीके से बैठकें भी चली। भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान, बीएल वर्मा, सुब्रत पाठक, ये नाम वो हैं जो चर्चाओं में सबसे आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान, बीएल वर्मा और सुब्रत पाठक को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं कि इनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है। और इसके अलावा और भी चेहरे हैं जिनको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये कहा जा रहा है कि इन्हीं में से या फिर और जो नाम बताए जा रहे हैं, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा है, उनके नाम को लेकर भी चर्चा है, सतीश गौतम को लेकर भी कहा जा रहा है, महेश शर्मा का नाम भी रेस में बताया जा रहा है। किसको मौका मिलेगा, इस पर लगातार नजर है। फिलहाल ये चार नाम आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी है, संजीव बालियान, बीएल वर्मा, सुब्रत पाठक के नाम सबसे आगे हैं। और इसी पर हमारे साथ ही शैलेश जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेश, जल्दी ये कहा जा रहा है क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है 29 तारीख को, उससे पहले नया अध्यक्ष मिल सकता है उत्तर प्रदेश भाजपा को, लेकिन किस पर दाव चला जाएगा, किसके नाम पर मुहर लगनी है, इसको लेकर सस्पेंस है। शैलेश, बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कि किस पर नाम पर मोहर लगेगी तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि या तो ब्राह्मण समाज से या फिर पिछड़े वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। और अगर इन दोनों वर्ग की बात करते हैं तो देखिए, पिछड़ा वर्ग में जो तीन सबसे पहले नाम जिनकी चर्चा है वो उनमें से एक है, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, लगातार इस बार भी दूसरी बार वो मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, ये वो तीन नाम है जो पिछले वर्ष से सबसे ज्यादा चर्चा में। इसी तरह अगर देखिए ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज का भी वोटर भी ज्यादा है और उस वर्ग को साधने की कोशिश के लिए इस समाज से चर्चा चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। तो इनमें अगर नाम की बात करें तो देखिए, कन्नौज से सांसद है सुब्रत पाठक, इसके बाद सतीश गौतम का नाम है, महेश शर्मा का नाम है और एक नाम और, देखिए ब्राह्मण समाज के चार नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में, जो चौथा नाम है वो है पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का। तो इनमें हालांकि अगर चारों में भी बात की जाए तो सबसे जो ज्यादा चर्चा में नाम चल रहा है वो सुब्रत पाठक जो सांसद है उनका नाम चल रहा है। तो देखना ये होगा कि इनमें से किस नाम पर मुहर लगती है, क्योंकि देखिए जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा 2024 के मद्देनजर बनाया जाएगा कि 2024 जो नैया है उसको कैसे पार करें। और देखिए कल कार्य समिति की बैठक होनी है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक प्रस्तावित है और उस बैठक में अगर बात करते हैं तो देखिए कई अहम चीजों पर बातचीत होगी, आगे की जो कार्य योजना है भाजपा की उसको लेकर मंथन होगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज इस नाम का ऐलान। अच्छा शैलेश, आप ये कह रहे हैं कि अब मंथन हो चुका है, नाम को फाइनल किया जा चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, आप ये कह रहे हैं? देखिए पार्टी अपना मन बना चुकी है कि किसको
कमान सौंपनी है उत्तर प्रदेश की, अगर बस जो कह सकते हैं उसका जो नाम है उनके सामने आने की दे दी है, सिर्फ नाम सामने आना बाकी है। लेकिन ये वो नाम है जो कुछ नाम हमने तीन नाम जो आपको बताए हैं पिछड़े वर्ग से और जो चार नाम बताए हमने आपको ब्राह्मण वर्ग से ब्राह्मण समाज से, तो ये सात नाम इन दोनों वर्ग को लेकर अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में है और ये माना जा रहा है इन्हीं में से एक नाम पर देखिए पार्टी अपना मन बना चुकी है कि किसको कमान सौंपनी है अलग अलग वर्ग को साधने के लिए 2024 को ध्यान में रखते हुए। अगर पीछे के हम चीजों को देखते हैं तो देखिए पिछले अलग अलग जो कार्यकाल हम देखते हैं तो देखिए पहले स्वतंत्र सिंह अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वर्तमान में भी हैं, हालांकि बाद में वो कैबिनेट मंत्री बन गए। इसी वजह से जो भाजपा की नीति है एक व्यक्ति एक पद, उसी के तहत अब प्रदेश अध्यक्ष दूसरे को बनाया जाना है। ठीक है शैलेश, अब इंतजार है कि किसके नाम पर मुहर लगाई जाती है। हालांकि सब कुछ फाइनल है, अलग मान्य डिसाइड कर लिया है किसको जिम्मेदारी देनी है, लेकिन नाम का अब सामने आने का इंतजार है। शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए 29 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और उससे पहले शैलेश भी बता रहे हैं कि नाम सामने आ जाएगा, पिछड़े वर्ग से मौका मिलता है, ब्राह्मण वर्ग से मौका दिया जाता है। ये नाम जिनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं सियासी गलियारों में, वो नाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।